हाय टू एवरीवन। तो अगर हमें किसी प्लांट सेल के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायरेबल जीन या एलियन जीन को ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ हमें यूज़ करना पड़ेगा टी आई प्लाज्मिड जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये बैक्टीरिया जनरली सॉइल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये बैक्टीरिया जो है वो डाइकॉट प्लांट्स में ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस टी आई प्लाज्मिड के अंदर बेसिकली एक विरुलेंट जीन होती हैं जो प्लांट सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र होकर के वहाँ पर ट्यूमर फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस मैकेनिज्म को हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया और उस टीआई प्लाज्मिड के अंदर जो विरुलेंट जीन है उसको हटा करके हमने इसकी जगह क्या एडिट किया, अपना डिजायरेबल जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट या एलियन जीन को हमने वहाँ पर लाइगेट किया और वो टीआई प्लाज्मिड जो है उस डिजायरेबल जीन को प्लांट सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र करेगा और फिर वहाँ पर उसका एक्सप्रेशन होगा। थैंक यू।